वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सेटेस एंट्रेंस एग्जाम की मॉडल से, है ना। जो लोग सेटेस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सभी क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये मॉडल सेट 3 है ना, 2 देख चुके थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे जानेंगे कि पूरब किधर है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे या कोई कागज पे, कॉपी पे अगर आप दिखाना चाहते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है ना, तो पहले ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जाने, ठीक है, ये हो गया। तो 1, 2, 3, 4 दिशा है, तो इधर को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब यहाँ पे हम इस चैप्टर को लाएंगे, ड्राइंग का जब लाएंगे, तो जो होगा ये क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इधर क्या कहते हैं, पूरब, ठीक है, और इधर को पश्चिम, ठीक है। इधर हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, और ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, ठीक है। हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। नीचे रहेगा क्या, दक्षिण बोलेंगे, और ऊपर रहेगा तो उत्तर बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण बोले तो यहां कोई पॉइंट है, यहां से ये चलना प्रारंभ करता है, किधर, दक्षिण। दक्षिण मतलब क्या है, नीचे है, है ना, दक्षिण नीचे है, तो नीचे चलना ये प्रारंभ करता है। उसके बाद प्रारंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद, चला कितना, 10 मीटर, है ना, कितना चला, 10 मीटर, अभी यहां है, 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद ये क्या करता है, बाएं की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। आप खुद देखें, जिधर जा रहा है तो आप ऐसा खड़ा होंगे, ऐसा मान लीजिए खड़ा, इधर आप जा रहे हैं ना, तो बाएं मुड़ता है, यानी ये साइड, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है, तो यहां से यहां चला कितना, 10 मीटर, यहां जो कहा है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया, इधर ये चल रहा है, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद जब ये यहां से इधर मुड़ता है तो ये कितना चलता है, 15 मीटर, ठीक है। अभी ये कैसा, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, अभी किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है, अभी ये इधर जा रहा है और फिर पुनः क्या हुआ, बाएं मुड़ा। तो आपको पता है ना, इधर जा रहा है तो इधर दाएं हुआ, इधर बाएं हुआ, इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में। देखिए, यहां आया, यहां से बाएं मुड़ा, अभी इधर ये जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मतलब क्या, उत्तर, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है अंत में किस दिशा में है, ठीक है, तो आंसर क्या देंगे, उत्तर, है ना, आंसर क्या देंगे इसका, अभी उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इधर पूरब बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब बाएं बोलेगा, इधर आप चल रहे हैं, ठीक है, इधर चल रहे हैं तो बाएं बोलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर चल रहे हैं बाएं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, बाएं बोलेगा, इधर मुड़ेंगे। दक्षिण की ओर इधर आ रहे हैं, बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेंगे, ठीक है। पूरब की ओर जा रहे हैं, बाएं मुड़ेगा, बाएं बोलेगा तो इधर जा रहे हैं, इधर मुड़ेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दें, और बाकी ये आपका हो गया। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6696 / 12 + 294,
ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए जो सेटेस एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसमें ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड आता नहीं है, क्योंकि कई पिछले ईयर से मतलब कई बार मेरे स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ है, हर एक साल मेरे क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट सेटेस कर रहे हैं, है ना। तो जो लेवल है उसी लेवल को इसमें देखेंगे, है ना, और मॉडल सेट के अनुसार इसमें चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6696 भागा 12 प्लस 294, ठीक है। आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले का की क्रिया करना है, पहले का करे पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अगर ये सभी रहता है तो पहले का की करेंगे, भाग की, गुना की, जोड़ की और घटाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको भाग दिया हुआ है और जोड़ दिया, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले भागा की क्रिया करते हैं हम लोग, तो 6696 और भागा जो है ये बदल जाता है गुना में, ठीक है, ये क्या में बदल जाता है गुना में, ठीक है। इसके नीचे अभी कुछ नहीं था एक, क्या है कुछ नहीं था एक, और जब ये गुना में बदलता है, गुना का चिन्ह पड़ता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है नीचे चला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे कर दिए, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए और 294, अभी इसको इससे काट दीजिए क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, वही बात है। चलिए अब यहां से इसको काट सकते हैं, देखिए 12 से इस इतना में भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 12 पचे 60, ठीक है, और फिर हो गया 12 पचे 60, यहाँ बच गया 9, 12 पचे 60 96, ठीक है, 558 बार में क्या हुआ कट गया, ठीक है। अभी यहां क्या होगा, 558 प्लस 294, इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा, 8 4 12 2 5 1 9 5 14 और 1 15 5 1 5 2 7 1 8, कितना आंसर आ गया 852 आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो इस टाइप में आप मैंने जो यहाँ पे लिखा का क्रिया करना है, फिर भाग का, फिर गुना का, वो आप याद रखेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हवा को कार, कार को पानी, ठीक है। क्वेश्चन है हवा को कार कहा जाए, देखिए यहाँ पे कहा जाए लिखा रहेगा, नहीं तो कोई लास्ट में लिख देगा किसी क्वेश्चन में, हवा को कार, कार को पानी कहा जाए, पानी को दूध कहा जाए, दूध को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, ठीक है, कहा जाए तो गाय पीने के लिए हमें क्या देती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आपको उसको ध्यान देना, ठीक है, किसको क्या कहा जा रहा है। और एक चीज याद रखिएगा कि इस टाइप में, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, गाय पीने के लिए हमें क्या देती है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि गाय पीने के लिए हमें क्या देती है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दूध देती है, ठीक है, क्या बोलेंगे, दूध देती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दूध को कोई दूसरा नाम से जाना जाता है, ठीक है, दूध को कोई दूसरा नाम से जाना जाता है, ये चीज ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है कार, दूध, मछली, पानी, ये आपका चार ऑप्शन है। अगर आप बोलते हैं कि इसका आंसर दूध होगा, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दूध होगा, तब क्या होगा ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या होगा रॉन्ग होगा। तो सही क्या होगा वो देखिए,
देखिए क्वेश्चन क्या कहा, हवा को कार कहा जाए, कार को पानी कहा जाए, पानी को दूध कहा जाए, दूध को मछली कहा जाए। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहा, दूध को मछली कहा जाए, ठीक है, पानी को दूध कहा जाए। देखिए अगर आप दूध आंसर देते हैं तो इसका मतलब समझ क्या हो जाएगा कि गाय जो देती है वो पानी देती है, ये हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो उसका आंसर हो, ठीक है, उससे एक आगे बढ़ना है। जिसे गाय पीने के लिए हमें क्या देती है, तो दूध देती है, तो दूध को क्या कहा जा रहा है आपको इसमें वो देखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला, पानी को दूध कहा जाए, दूध को मछली कहा जाए। देखिए पानी को दूध कहा जाए, पानी को दूध कहा जाए मतलब यहाँ क्या है, पानी है, दूध को मछली कहा जाए, कुछ में कहा जाए लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया है कहा जाए, है ना, लेकिन सब में आएगा कहा जाए। दूध को मछली कहा जाए मतलब दूध कहाँ है, यहाँ है, दूध को क्या कह रहा है, मछली कह रहा है, ठीक है। गाय हमें पीने के लिए क्या देती है, दूध देती है, लेकिन दूध को क्या कह रहा है, मछली कह रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मछली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ये दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आप मैथ की बनाते हैं या रीजनिंग बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, ये देखना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है इनकी औसत आयु कितनी है, ठीक है, औसत आयु कितनी है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दिया है ए बी सी, तीन व्यक्ति है, ए उसके बाद बी सी, ठीक है, तीन व्यक्ति है, इसकी आयु कितनी है, ए की आयु 32, 32 इसलिए ए की कह रहे क्योंकि ए यहां आगे है, 32 वर्ष, बी जो है वो कितना साल का है, 36 साल का है ना, और सी जो है वो कितना का है, 46 साल का है। अब कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा औसत आयु बराबर क्या होता है, पहले ये देखेंगे, औसत आयु बराबर है ना, इसका डिटेल जो है मेरा क्लास में, मैंने क्लास में इसका डिटेल पढ़ाए हैं, है ना, यहाँ पे उन्हें फॉर्मूला हम बता देते हैं। औसत आयु बराबर होता है परिमाणों का योग, परिमाणों का योग बटा परिमाणों की संख्या, ठीक है, सबसे आसान, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। देखिए परिमाणों का योग मतलब क्या होगा, परिमाणों का योग मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़, अंतर मिश्र घटाव, योग मैंने होता है जोड़, ठीक है। यहां हम ये भी कर सकते हैं कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। चलिए परिमाणों का योग मतलब जोड़ होता है, तब दो जोड़ दीजिए, अगर ए प्लस बी और प्लस सी, अगर तीनों का, तीनों के एज को हम जोड़ देते हैं तब कितना आता है, ठीक है, तो तीनों का योग देखिए 32 प्लस 36 प्लस 46, यही हुआ ना, परिमाणों का योग मतलब क्या है, सभी को क्या करना है, जोड़ना है, इसलिए कि योग में क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद क्या कह रहा है, परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या मतलब क्या हो गया, इसमें कितने आदमी है, ठीक है, कितने आदमी है, कितने संख्या है, जो एज की बात किया गया, कितने आदमी का इसमें एज बताया है, कितने व्यक्ति का एज बताया है, ये हो गया। देखिए कितने व्यक्ति है, ए बी सी, इसमें कितना व्यक्ति का एज है,
एक दो तीन, ठीक है, तीन व्यक्ति का, तो परिमाणों की संख्या कितना होगा? तीन। ठीक है, जितना आदमी इसमें रहेगा या जितना संख्या रहेगा वो लिखेंगे। अब बस बन गया, अब कुछ भी नहीं, इसको आप जोड़ दीजिए, छह और छह बारह, बारह दो चौदह के चार बाकी एक, चार तीन सात, सात तीन दस, दस आ एक ग्यारह बटा तीन। 114 बटा 3 का मतलब क्या हुआ? 3 से इसमें आप भाग दीजिए, कितना बार कटेगा? तो देखिए 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, और यहाँ कितना बच गया? 2 चार 24, 8 तिया 24, कितना आ गया? 38 वर्ष। कितना आ गया? 38 वर्ष इसका आंसर आ, ठीक है, कितना आंसर आ गया? 38 वर्ष आ। अब डायरेक्ट अगर काटने के लिए आता है तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भाग भी दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको डायरेक्ट काटने में दिक्कत है वो यहाँ से भाग देंगे। देखिए 3 तिया 9 कितना गया? 2, आई 4 उतर गया, 8 कई बार लगेगा, 8 बार, 8 तिया 24 कट गया, कितना आया? 38। ठीक है, कितना आंसर आया? 38 वर्ष आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन औसत पूछेगा, ऐसे बहुत सारे मॉडल सेट लोड करेंगे, है ना, और मेरी ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वहां से भी कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। क्या पूछ रहा था? इनकी औसत आयु, तो औसत आयु बराबर कितना? 38 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।